स्प्रे कर रहे हैं तो मिट्टी पर भी जा रहा है, तो जिस मिट्टी पर जा रहा है उस मिट्टी पर बैक्टीरिया, फंगस, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े, छोटे से जो पिस्सी जानवर है जो हमें नहीं दिखते हैं वो भी मर रहे हैं, उनकी कॉलोनी भी डिस्टर्ब हो रही है और उनकी पूरी जीवन साइकिल को हम खत्म कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम क्या है कि हमने खरपतवार नाशक डाला तो जो पेड़ था वो मरा और उसके दाना नीचे मिट्टी में भी गया, उससे सारे कीट पतंग खत्म हुए। उसकी वजह से जो मिट्टी की संरचना की साइकिल थी, भारत की मिट्टी को बोला गया है सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। भारत में, पूरे भारत में, उत्तर भारत में कहूँ या मध्य भारत में या दक्षिण भारत में, हमारे यहाँ पर जो मिट्टी का टेक्सचर है वो है सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, मतलब अनंत जीवों की आत्मा कहा गया है, किसी और देश में नहीं बोला गया है। वहाँ पर तो अलग ही नाम है, मिट्टी है, मृदा है, मीडिया है, मीडिया बोलते हैं बहुत सी जगह पर, जहाँ से वाटर शेल्टर आया है ना वहाँ बोलते हैं मीडिया, मिट्टी समझ, स्वाइल समझते नहीं। हमारे यहाँ जीवंत है इसलिए अनंत जीवों की आत्मा। अब हमने वीडिसाइड डाला और वहाँ के बैक्टीरिया, फंगल, कीट पतंग सब मर गए, और हमने जो पेड़ लगाया है उस पेड़ की जड़ों को भोजन प्रदान करने के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए, और इधर हम खरपतवार नाशक डालने से उस मिट्टी के बैक्टीरिया को मार करके भगा रहे हैं। मेरे पौधे को जड़ों से भोजन लेने के लिए PSB, KSB, राइजोबियम, एसेटोबैक्टर, माइकोराजा, ये सब चाहिए। तो वीडिसाइड डालने से आंखों की दृष्टि को देखने को पता चला कि खरपतवार तो चले गया, जो नहीं दिखा उसे देखने की कोशिश करो। अब मेरे पौधे को भोजन खिलाने वाले बैक्टीरिया कहां से लाओ? ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो हमें दिख नहीं रही है, जो देखना चालू करना चाहिए। एक्चुअली मेरे प्रश्नों का जो जवाब आता है ना, जो आपने पूछा है शायद वो सही जवाब मैंने नहीं दिया है, जो आपको दिखाना मैं चाहता हूं वो जवाब देना चाह रहा हूं, इसलिए मेरे जवाब बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वीडिसाइड कसम खा लो इस प्रांगण से, घर से, गांव से, तहसील से, जिले से कैसे बाहर करूं उस पर काम करना चालू कर दो, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिसऑर्डर है वो मैं बतलाना भूल गया हूँ, वीडिसाइड का केमिकल अगर आपके DNA पर टच करता है, हमारी बॉडी बहुत टॉलरेंस है, आसानी से अंदर DNA को कोई चीज टच नहीं करती है, टॉक्सिन बाहर फेंक देती है पसीने के जरिए या मलमूत्र के जरिए। हम दवाई दुकान से लेकर आए, जो खरपतवार नाशक डाल रहा है मित्र पंप लेकर के, उसको हमने घोल बना करके दिया, तो हमारे हाथ भी कहीं टच हो रहे हैं। ब्लू कलर का आता है, हाथ में टच हो गया तो 3 दिन तक कलर नहीं निकलता है, आपने डाला होगा ना, 3 दिन तक उंगली से कलर नहीं निकलेगा उसका। अगर वो चमड़ी के जरिए अंदर DNA में टच हो गया या श्वसन क्रिया के जरिए अंदर DNA में टच हो गया तो तीसरी पीढ़ी नपुंसक आएगी। इससे भी हमें जानकारी रखना चाहिए। कई सारे रिसर्च पेपर में राजीव भाई दीक्षित ने कई बार बोला गया है कि ये अगर DNA को टच करता है तो हमारी तीसरी या चौथी पीढ़ी नपुंसक आएगी। प्रेजेंट पीढ़ी को कैंसर होगा, तीसरी चौथी पीढ़ी पर असर, इतना लंबा असर जाएगा। एक 4 से 5 साल पहले एक बड़ा लेख आया था कि सिंजेंटा पर एक बाहर के व्यक्ति ने केस किया था और $200 या $2000 उसने क्लेम जीता, $20,000। ये हमें मालूम है, फिर भी हम कुछ वीडिसाइड डाले या ना। $20,000 उस व्यक्ति ने उसके गार्डन में वीडिसाइड डाला था, US का, सिंजेंटा की कंपनी पर उसने केस किया कि आपकी दवाई से मुझे कैंसर हुआ है, मैं इसके पहले स्वस्थ था। सब लोग यूज करते हैं, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है अगर आप ग्लाइकोसेट और वीडिसाइड बंद करो तो मुझे पुनः बुलाते रहो। ये हम सबके फायदे के लिए, हमारे देश के फायदे के लिए है, हमारी मृदा, हमारी भूमि के फायदे के लिए है। और जीव जीवस्य जीवनम की साइकिल चलाओ, जो मैंने बोला खरपतवार को बड़ा करो, उसे काटो और बिछाओ, ये 3 बार आपने किया तो आपके खेत में खरपतवार आना बंद हो जाएगा। मेरा एक
एक वीडियो है किसान पाठशाला के चैनल पर 1227 नंबर का, जिसमें मैंने 100 एकड़ में केला लगा रखा है, 1 लाख पौधे हैं, और उसमें मैंने पूरा विस्तृत में बताया हुआ है कि हम इसको चारा काट कर डालते हैं। अब 2 साल हो गए हैं, वहाँ हमें खरपतवार आता नहीं, बाहर से लेकर के आते हैं। कोई किसान वो मक्का कपास या कुछ उसका बाहर फेंक देते हैं, उसको हम उठा कर लाते हैं, हमारे खेतों में डालते हैं। जहाँ कीचड़ बना करके हमें लगाना था पौध, उसमें क्या होता है कि अगर कीचड़ बना के किया तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और जिस व्यक्ति से कीचड़ नहीं बना उसने सीधे भी ड्रेंचिंग करना चाहिए तने पर, ताकि जड़ों के पास वो पानी पहुंच जाए और पौधा संरक्षित हो जाए। ये जो जड़ें हैं, ये छोटा सा प्लग बनता है, यहाँ पर सीधे ड्रेंचिंग किया तो आपको पानी का प्रमाण ज़्यादा लेना पड़ेगा, 300 से 500 ml, तो ये पानी स्लिप हो करके इस पोर्शन पर फैल जाएगा। चूंकि हम आप अभी तक खरपतवार को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, पौधों के लिए कार्बन कम है और कीड़ों के लिए कच्चा माल कम है। जैसे हम पौधा प्लांटेशन करते हैं तो गोबरेला कीड़ा आता है और इसकी जड़ों को खाता है, इसलिए मैंने बोला है कि नीम का तेल या डेंटा शू या क्लोरोसाइपर आप इसमें डालो, ताकि गोबरेला कीड़ा अभी भगे, क्योंकि कच्चा माल नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि कचरे को काट करके डालना है तो फिर उसका कच्चा माल पैदा होना चालू हो जाएगा, फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कीचड़ बना के लगाया तो ठीक है, वरना 300 से 400 ml सीधा उसके तने पर ड्रेंचिंग भी करना पड़ेगा, ताकि कीड़े वहां से दूर रहे और पौधे को नुकसान ना दे। और बताइए आपकी कोल्ड शेप के मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, इसका जो ठंड आने वाली है, हाँ, 3-4 महीने बाद जो ठंड आएगी और बहुत अधिक ठंड हमारे यहाँ पड़ती है, लगभग टेम्परेचर गिर करके 5-4 डिग्री के आसपास आ जाता है, उसमें हम लोग क्या उसके लिए क्या मैनेजमेंट? 2-3 चीजें हैं, अभी जैसे अगस्त लास्ट चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ टेम्परेचर पारा गिरना चालू होगा 15 दिसंबर के बाद, है ना? 15 दिसंबर से पूरा जनवरी 1.5 महीना जो है 45 दिन, ये आपके उत्तर भारत में पारा गिरने का समय है और यही फसलों को दिक्कत भी होगी। इसके लिए ये आपकी खेत की जो बाउंड्री है, शुरुआत यहां से होगी, आज ही आप निर्णय लीजिए। यहां पर या तो गन्ना घास लगा दो, मेथी नहीं है, नेपियर घास जो बोलते हैं, तो बुलाओ लेकर के आओ, एक बार कोई ले आएगा तो फिर वो हेल्थी रहेगी। पता करो, यूपी में बहुत है, एक समस्या इसमें ये है जो प्रैक्टिकल समस्या मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ एक बार प्रयास किए हैं, इसमें ये तो पूरे साल रहती है, तो बरसात के दिनों में इसमें इतने बिच्छू हो जाते हैं कि वो काट नहीं पाते, अच्छा, और वो फिर गिर के टेढ़ा मेढ़ा होकर के फिर उसमें तल्ले निकलने बंद हो जाते हैं और खराब हो जाती है, फिर उसको हटाना पड़ता है, जुताई करनी, टीली उसी करनी पड़ती है, ये समस्या है, यहाँ बिच्छू बहुत अधिक होते हैं। 2-3 चीजें हैं, एक तो मैंने बताया कि आपको नेपियर घास चारों तरफ बाउंड्री पे लगाना चाहिए, जिससे गर्म हवा अंदर जाना बंद हो, ठंडी हवा अंदर जाना बंद हो, बाउंड्री बन जाए। दूसरा, आपकी बाउंड्री पर 2-2 फीट पर केले के पौधे लगा दो, चारों तरफ, ठीक है, 2-2 फीट पर केले के पौधे लगाए हैं अभी, ये 2-2 फीट पर जो केले के पौधे हैं तो ये खुद बाउंड्री का काम कर रहे हैं। साइड का बच्चा निकल रहा है वो भी लगा सकते हो, 2-2 फीट पे लगाओगे तो ये भी फल देगा, क्योंकि बाहर पूरा खुला है, फल इसका भी आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप 1 नवंबर से इसमें 6 फीट की कपड़े की लेयर लगा दो, या तो साड़ी लगा दो या धोती लगा दो या नेट बांध दो पूरे खेत के चारों तरफ, 6 फीट हाइट, उस खेत के अंदर या खेत के बाहर? खेत के बाहर बाउंड्री पर, जहां हमने 2-2 फीट पर केला लगाया है, उस केले से चिपका करके, ठीक है,
साड़ी गट्ठा ढूंढोगे तो बहुत सस्ता मिलेगा, 15-20 रुपए की साड़ी मिल जाएगी जो वेस्टेज वाली है। तो दो साड़ियों को ज्वाइंट करना पड़ेगा क्योंकि वो 1 मीटर की आती है, तो दो साड़ियों को ज्वाइंट करके पूरे खेत में घुमा दिया चारों तरफ, या कपड़ा या नेट कुछ भी, ताकि खेत के अंदर कोई भी हवा का आवागमन न हो। हमारी सरल भाषा में हमने स्वेटर पहना दिया खेत को, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, जो ठंडी रातें चालू होगी उसमें पूरे खेत में चार कोनों पर पूरे बीच में कंडा जलाना है 12 बजे रात के बाद, और वो कंडा सुबह 8 बजे तक सुलगता रहना चाहिए। 12 बजे के पहले की आवश्यकता नहीं है, पारा जो ज्यादा गिरता है वो 12 बजे बाद गिरता है। चार कोनों पर एक बीच में धुआं करना चाहिए आपने, धुआं करेंगे तो भी डिसऑर्डर में कमी आएगी। तीसरा, सल्फर का प्रयोग चालू करो ठंडी में, तो पत्ती या जमीन पे मिट्टी में सल्फर। नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3 महीनों में सल्फर का प्रयोग बढ़ाओ। अमोनियम सल्फेट अगर मिल रहा है तो नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा है उत्तर भारत के लिए। हर 7 दिन में 15-20 ग्राम प्रति पौधे को रिंग बनाकर डालते हैं। ऐसे अगर फेंकना चाहें तो पौधे के तने से 9-10 इंच दूर फेंक सकते हैं, लाइन बना करके। ये हुए मेजर काम। इसके बाद में आपका सबसे जरूरी काम आएगा वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। अच्छा, एक चीज एक वीडियो में बता रहे थे कि अगर इस प्लांट से ऊंचा कोई प्लांट होता है उस बीच में तो कोल्ड वेव या हॉट वेव जो है वो बनता है उससे। आ एक मेजर प्लान आपको करना है, नाली और पानी पद्धति से आपको पानी देते रहना है ओड इवन में। आपका पौधा यहाँ पर लगा है, उदाहरण में दे रहा हूँ आपके सबके खेत की परिस्थिति कैसे रहेगी। हम उत्तर भारत में पूरे खेत में एक साथ पानी दे रहे हैं, अभी तक जो कर रहे हो आप लोग एक साथ पानी देते हैं, और बहुत सी जगह मैंने देखा है कि धूप निकलती नहीं है, सूर्योदय होता नहीं, कोहरा छाया रहता है। तो 15 दिसंबर से जनवरी तक तो खेत में जाओगे तो पेड़ ही धस जाएंगे, पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सी जगह ऐसा भी है, आपको शुरुआत से ही एक नंबर में पानी दिया तो 2 नंबर में बंद रखना है, 3 नंबर में पानी देना है, 4 नंबर में बंद रखना है, ओड इवन। अब अगली बार जब पानी देंगे 10 दिन के बाद तो ये ट्रैकिंग होकर के तैयार रहेगा। हम अगर 10-10 दिन में पानी दे रहे हैं तो हमने 1 नंबर में पानी दिया, अब 10 दिन बाद 2 नंबर में देंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस इधर आ जाएगा। 1 नंबर में पानी बंद, 2 नंबर में दिया, 3 में बंद, 4 में पानी दिया। अभी 10 दिन बाद पानी दिया, इस पौधे को इधर से पानी मिल गया, अगली बार इधर से मिल जाएगा। अब यहाँ पर पानी देने की सारणी वापस आएगी 20 दिन बाद, समझ में आ रहा है। हमने अगर 1 तारीख को पानी दिया तो यहाँ पर 10 तारीख को पानी देंगे, यहाँ पर 20 तारीख को पानी देंगे, मतलब इस लाइन में पानी कब जाएगा, 20 दिन बाद। तो यहाँ की लाइन ऑलरेडी क्रैक हो चुकी होगी, हवा अंदर बाहर मंग रही है वो। तो जो दिसंबर जनवरी का पारा गिरेगा उसमें हम जब इसमें पानी देंगे तो ताजा पानी एकदम से सभी दूर स्प्रेड होगा और बासी पानी नहीं रहेगा, कीचड़ कीचड़ जो हमने पहले पानी भर दिया और दिसंबर पूरा कीचड़ वाला रहा तो वो बासी पानी कहलाता है। हम ताजा पानी एंट्री करवा सकते हैं, ताजा पानी देंगे तो जड़ों की कक्षा में गर्माहट रहेगा, यह भी आपकी ठंडी को रोकने में बहुत ज्यादा कारगर होगा। वो जादू की झप्पी है, हम किसी दुकानदार के पास गए, मैंने यूपी में समझा है उत्तर भारत में कि एक तो कुछ भी बीमारी हो फफूंदी नाशक देते हैं, कुछ भी बीमारी हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है जाड़े में। ये बेसिक चीजों का उपयोग करें, इसके बाद अगर हमारे पौधों में फंगस आ रही है तो फफूंदी नाशक देना है, हमारे पौधों में विकृति आ रही है तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना है। ऐसे परिस्थिति को देख करके हम स्प्रे देकर के जाड़े से नहीं बचा सकते, उसके लिए पूरा वातावरण क्रिएट करना है। इसके बाद में एक चीज और आएगी कि ये हमारा प्लॉट है, यहां पर हमने पौधे लगा रखे हैं,
तो क्या कोई ऐसे पौधे हैं जो यहाँ बीच में लग करके इनके हाइट से बड़ी हाइट हो सके उनकी और हमारे पौधों को धूप से न रोके? अगर ऐसा कोई विकल्प है तो दो केलों के बीच में, चार केलों के बीच में एक वो पौधा लगा सकते हो। तो मैंने जो समझाया वो नेपियर घास है, गन्ना घास है। अगर आपने 5x8 पे लगाया है तो इन दो लाइनों के बीच में यहाँ पर आप गन्ना घास का एक एक लगा सकते हो ताकि वह ठंडी में बाहर निकल जाए। हमारे केले की हाइट कम रहेगी और नेपियर घास की हाइट ज़्यादा रहेगी, तो जो ठंडी हवा है वह ऊपर उठ करके जाएगी, खेत के अंदर एंट्री न करेगी। हाँ, कुछ भी बांध सकते हो। हमें स्वेटर पहनाना है जो हमारे पास उपलब्ध साधन हो। वो तो बांधना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैंने बोला कि आप कंडे का धुआं कीजिए, ऐसा कुछ अगर विकल्प हो। जानवर होंगे गाय भैंस, तो उनका जो भी गोबर का उपला बनेगा उसी को हम कंडा बोलते हैं। लगभग आसानी से होता है। गोइठा क्या बोलते हैं? आप उत्तर भारत में दो तीन चीजों से बच गए। एक आपकी निंदाई गुड़ाई में जो बहुत पैसा लग रहा है, दूसरा आपका पानी प्रबंधन आपने सही कर लिया, और तीसरा ठंडी से आपने अपने पौधों को बचा लिया। तो शायद पूरे देश से ज्यादा उत्पादन आपके क्षेत्र में आता है। इतना डिसऑर्डर होने के बाद भी मैंने देखा है कि 30 किलो, 35 किलो, 25 किलो, कहीं 40 किलो का उत्पादन आ रहा है। और इन सब से बचने के बाद आखिरी में एक लड़ाई है आपको बीटल की, जो मैंने अभी दो तीन वीडियोस डाले हैं जिनमें बीटल का मैंने विस्तार से बताया है कि बीटल से कैसे बचा जाए। आपकी है मिट्टी बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, बस थोड़ी थोड़ी सी चलने की दिशा में कमी पैसी है। तो वो आप किसान पाठशाला के साथ आ ही गए हो, अब धीरे धीरे फिनिशिंग होगी। ठीक है, सहन दिन तक कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ड्रेंचिंग ये करो, भैया आपको 60 दिन का शेड्यूल दे देंगे, उसके बाद में खाद का डोज भी आएगा, सभी कुछ आएगा, वो बतलाएंगे आप तक पहुँचाएंगे। भैया यहाँ पर इनके पास आता ही रहता है। समझा नहीं क्या? हाँ, 7 फीट से अंदर। हाँ सही बात है, अटल सत्य है ये, इसको मानना चालू कर दो। आप 5x5 लगा रहे हो, 5x6 लगा रहे हो, तो उसमें जब फल आता है उस समय पत्तों की संख्या कम रहती है। चालू, फल जब आता है उस समय पत्तों की संख्या कम रहती है, और हमने अगर चौड़ा ग्राफ लिया है तो आपके यहाँ तो जरूर चौड़ा ग्राफ लेना चाहिए, क्योंकि 2 महीने तक सूर्य उदय ही नहीं होता है आपके यहाँ। उस समय पौधा फोटोसिंथेसिस छांव में जितना उसको मिले उतना उसने करना चाहिए। तो पत्ते जितने ज्यादा रहेंगे, अच्छा है, अच्छा कम से कम मैं बोल रहा हूँ 5x6 इससे ऊपर लगाओ, तो पत्ते पूरे सराउंड आएंगे पौधे के, दूर दूर फेंकेंगे और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। तो आपका जो 14-15 महीने में कट रहा है वो 12-13 महीने में कटना चालू होगा, कटिंग रिवर्स होगी। अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, क्वालिटी अच्छी मेंटेन होगी। यूपी के फल में एक और हमने समझा है, जो मेरे व्यापारी मित्र मुझे बोलते रहते हैं, एक हमारे पार्टनर भी है चंडीगढ़ में, वेद प्रकाश जाट, हमारे 4 जगह मेरे खुद के चैम्बर है, चंडीगढ़, रोहतक, गोहाना, सफेदो, जहाँ हम केला पकाकर बेचते हैं। और काफ़ी सारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा देते हैं और कई जगह 5x5 और 5x6 में है, तो फल आता है जब पत्ते कम रहते हैं और केला केवल पानी पीता है, तो वो लंबी चाल का नहीं रहता। ये व्यापारी की भाषा में लंबी चाल का नहीं रहता, मतलब आज केला कटा तो
तो जल्दी खराब होना चालू हो जाएगा क्योंकि यहां से कटा, मतलब वो रिवर्स होना चालू हो गया, उसका मेन सिंबल छूट गया पौधे से। अब वो गाड़ी में रखा, चेंबर पे गया, वहां चार दिन में पका, चेंबर से ठेले पे गया, ठेले वाले ने दो दिन बेचने में समय लगाया, तो ये जो एक दो डेढ़ सप्ताह का समय है इसको केला फुलफिल नहीं कर रहा है, वो यहाँ से झड़ रहा है या जहाँ पंजा रहता है जहाँ से कट जाता है वहां से काला गिर करके जैसे दर्जन उठा वो केला ही गिर के टूट जाता है। ये ज्यादा पानी पीना और कम पत्ते होने से ऐसा होता है, तो इसमें व्यापारियों को दिक्कत है। जिन क्षेत्रों का केला, जैसे आपका क्षेत्र गाजीपुर है उत्तर भारत में, यहाँ का केला कट के गया और व्यापारी को लंबी चाल का मिला, उनकी भाषा में मतलब ज्यादा समय टिका रहा, फंगस ना आई, केले में कलर शाइनिंग क्वालिटी ज्यादा समय रहा, तो वापस वो यहाँ आकर के लेके जाएंगे, शायद 50 पैसे ज्यादा बढ़ा कर मांगेंगे। और अगर उनको गाजीपुर के केले में लंबी चाल का नहीं मिला, केला जल्दी फंगस आ रहा है, जल्दी टूट के गिर रहा है, तो वो उत्तर भारत के जो दिल्ली चंडीगढ़ के व्यापारी है वो यहाँ क्या फोन करेंगे जिन्होंने गाड़ी बनाई, भैया किस बगीचे से काटा था, किस क्षेत्र का था, वहाँ का केला मत बेचो। तो आप उनको फिर फोन लगाते रह जाओगे, वो या तो बोलेगा 2 रुपए किलो कम या आपका फोन उठाएगा नहीं, हमें फिर ऐसा लगेगा मेरा केला बहुत सुंदर है लेकिन व्यापारी चीटिंग करता है, लेता नहीं। व्यापारी हर उस किसान के साथ काम करता है जहां उसे 2 पैसे कमाने को मिलता है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ जो व्यापारी आ रहा है क्या मेरे खेत से उसको 2 पैसे की इनकम ज्यादा हो रही है, तो वो बार बार आएगा। अगर मेरे खेत से उसको 2 पैसे की इनकम नहीं हो रही है तो फिर हम फोन लगाते रहेंगे, बोलेगा भैया मैं मार्केट में हूँ, अभी बीवी बच्चों के साथ हूँ, कभी फोन काट देगा। इसका निकासन क्या करना, दूरी पर लगाओ, ऑड इवन पानी दो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ये थंब रूल है। कम से कम 1 एकड़ में 1000 पौधे, ज्यादा से ज्यादा 1250 पौधे, इससे ज्यादा पौधे लगाओ मत, तो पत्ते ज्यादा रहेंगे। और पानी जो हम दे रहे हैं उत्तर भारत में उसको एक बार लेफ्ट देना है, फिर एक बार राइट देना है, फिर एक बार लेफ्ट देना है, मतलब नाली और पाली पद्धति से। छिड़काव जरूर लगेगी तो करेंगे, वरना भोजन छिड़काव से नहीं दिया जाता है, जड़ों से भोजन दिया जाता है। हम लोगों का एक बीघे में 710 पौधे लगे हैं। उसकी कभी आवश्यकता रहती है जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पौधों की जड़ों में फंगस है, हमारे यहाँ पीएच ज्यादा है, कीचड़ ज्यादा है, पौधे को हम भोजन अपटेक नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप स्प्रे के माध्यम से थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कचरे की मल्चिंग अवश्य करना चाहिए, अगर ये आप कर रहे हैं तो ही समझो कि आपके पौधों में रिकवरी ज्यादा अच्छे से आएगी। अगर पीएच ज्यादा है तो रिकवरी में तो गड़बड़ी होना है, रिकवरी मतलब नीचे से अपटेक करने में गड़बड़ी होना है। उसके लिए सबसे सही जवाब है आज से ही आप कचरे की मल्चिंग करना चालू करो। दूसरा, हर 28 दिन में गुड़ गोबर गोमूत्र डालो ताकि बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी तो नीचे जमीन के पीएच को तोड़ेगा। तीसरा, हमारी जमीन में अगर पानी ज्यादा है, पौधे में डिसऑर्डर दिख रहा है, तो आवश्यकता लगे तो आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में 2 किलो बस, इससे ज्यादा उसका मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बातें खत्म हो गई। एक सवाल है मेरा भी, जो ये आर्टिफिशियल से पानी चल रहा है ये तो जाड़ा में चलेगा कि गर्मी में भी चलेगा? गर्मी में भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हम लोग गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। समझ गया, मैं बतलाता हूँ आपको। एक भैया का अच्छा क्वेश्चन है और काफी जगह ये दिक्कत आ रही है, मैं समझाता हूँ।
जो भैया ने क्वेश्चन पूछा है, ये जो पेड़ है इसमें अभी जो फल आया है इसके केले कहीं पर पीले काले या एक तरफ की बेल पक रही है या खराब हो रहा है, ये होता क्यों है? एक मैंने कुछ समय पहले हमारे मध्य प्रदेश के शाहपुर का एक गांव था जिसका मैंने फोटो वीडियो डाला था जिसमें एक तरफ पूरा पीला हो गया था और एक तरफ हरा था। आपके वीडियो में क्या हो रहा है कि कोई तीन केले खराब हो गए हैं बाकी पूरी दर्जन अच्छी है, ऐसा जो कत्थी कत्थी दिख रहा है ना केलों पे धब्बा, मैक्सिमम खराब है, तो ये क्यों हो रहा है मैं उस पर आना चाहता हूँ। कुछ समय से क्या हो रहा है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको डलने से रिपीट डिमांड करती है। जैसे एक दवाई मैंने समझी मेरे खेतों में डाल करके, मुझे पता नहीं कि उसका साइंटिफिक रिजल्ट क्या है, मैं बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे खेतों में मैंने जैसे कोराजन का प्रयोग किया तो उस जगह पर रिपीट आर्डर है कोराजन का फिर प्रयोग करना है। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिसपे भारत सरकार ने ध्यान देना चाहिए और उन्हें डिफाइन करके समझ करके रोकना चाहिए। मैंने मेरे खेतों में प्रयोग किया तो मैंने समझा कि पहले 5 साल पहले मक्का में कोई स्प्रे नहीं करना था, गन्ने में कोई स्प्रे करना नहीं पड़ रहा था, जैसे ही एक स्प्रे लिया हमने कोराजन का, अब बिना कोराजन के स्प्रे से मक्का पकती नहीं है, कम से कम 5 स्प्रे होते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है या उस दवाई के कारण है या किस कारण से है, ये समझने की दोनों है समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही केलों में हो रहा है, यहाँ पर तना छेदक सुंडी घुस रही है, ये जो पत्ते हैं इन पत्तों में भी आपको कहीं छेद दिखेगा, ध्यान से अगर हम देखेंगे। मैंने कुछ 4-5 वीडियो डाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण केलों में भी सुंडियां घुस रही है, ठीक है। ये सुंडी जैसे हमारा फल बाहर निकलना होगा तो क्या होगा, वो 3-2 महीने पहले ऊपर चढ़ना चालू होगा। आज हमारा फ्लावरिंग हुआ इसका मतलब यही पर था ऐसा नहीं, वो नीचे से डंडा ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है और फिर बाहर निकला। इस डंडे के ऊपर चढ़ने में अगर तना छेदक सुंडी यहाँ घुसी हुई है तो उसकी वजह से उस फल को, उस बंच की वेल को उसने खा लिया है, मार्किंग कर दी है या चट कर दिया है। अब ये फल बाहर निकला है तो उस साइड की वो ब्रांचेस गड़बड़ ही निकलेगी, ये मेन डिसऑर्डर है आपने जो मुझे फोटो दिखाया। और ये केवल उत्तर भारत में नहीं है, ये मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है, यूपी में भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी कहीं पर देखा है। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम खेत में जाएं तो क्या हमारे पौधों के तने पर से कुछ चिपचिपा बाहर निकल रहा है, छोटा सा होल होगा वहां से चिपचिपा जैसे गोंद जैसा बाहर निकल रहा है, तो समझ लो हमारे खेत में तना छेदक सुंडी है। उसको भगाने के लिए हमें पूरे पौधों पर कुछ स्प्रे लेना पड़ेगा। तो अगर रेसिड्यू फ्री पर जा रहे हैं तो आपके यहाँ आएगी नहीं सुंडी, क्योंकि आप कचरे की मल्चिंग करोगे और वहां पर जीव जीवस जीवनम वाली कॉलोनी तैयार हो जाएगी, तो ऐसे फील्ड में आती नहीं। अब अगर हम खरपतवार बाहर करते रहेंगे, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर हमने रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करी है, कचरे को काटकर बिछाया है तो आएगी नहीं। अगर हमने ये नहीं किया है तो आएगी, मतलब हम ज्यादा होशियार किसान है, अब हमें दवाई दुकान के पास जाना है। ठीक है, तो वही बात है, जैसे एक आपका सबसे बेस्ट है कोराजन, और जहां तक मैंने समझा है कि अगर उसका उपयोग किया तो ये अगले साल 2 गुना मात्रा में आएगी और तीसरे साल 3 गुना मात्रा में आएगी। दूसरा विकल्प है कि नीम तेल 10,000 ppm का 200 लीटर पानी में 200 ml डालें उसका स्प्रे करें, या हम कुछ नीम तेल 200 लीटर पानी में 200 ml 10,000 ppm का, 1 लीटर पानी में 1 ml, इसका पूरे तने पर स्प्रे करना है, पौधे पर, पत्तों पर, सब दूर स्प्रे करना है, ठीक है। तीसरा, हम क्या घर पर कुछ बना सकते हैं, जैसे जिन पेड़ पौधों को कोई भी जानवर खाता नहीं, गाय भैंस बकरी जिन पेड़ पौधों को खाते नहीं, सीताफल अकाओ पपीता इसको नहीं खाते, इनके पत्ते एक 10 लीटर पानी में 3 से 5 किलो पत्ते पूंज कर, काट कर नहीं, पूंज कर डालना है ताकि उनकी पेशियां टूट जाए और वह ऐसे रस निकालना चालू हो जाए, उनको डालना है, उसको गर्म करना है, उबाली लेना है, उसमें मिर्च भी आप डाल सकते हो, उबाली लेना है, वो पानी 10 लीटर से 5 लीटर बचे इतना उबाली करना है और इसका भी स्प्रे कर सकते हैं।
इसका 200 लीटर में ये जो 5 लीटर बचा है पूरा डालना है, मतलब 100 लीटर पे 2.5 लीटर, और इसका पूरे तने पर स्प्रे करना है। एक अच्छा मॉलिक्यूल है जिसको नहीं खाता है वो कोई सा भी पेड़ पौधा ले सकते हो। एक मैंने दवाई और तलाश करी है जो रेसिड्यू फ्री में आती है, जिसे ग्रीन टैग मिला है, वो है स्पिनोसेड। उसमें हरा लेबल लगा है और वह भी सुंडी को भगाती है। उसका भी स्प्रे हम कर सकते हैं, पूरे पौधे के तने पर स्प्रे करना पड़ेगा जहां पर सुंडी अंदर घुस चुकी है फ्लावरिंग आने से एक महीने पहले, क्योंकि एक महीने पहले से वो ऊपर चढ़ना चालू हो चुका है बंच और फिर बाहर निकलेगा। अगर वहां पर तना छेदक है तो उसका जो कमल बाहर आ रहा है उसमें कई तरह की विकृतियां आएगी। जैसे आता है ग्रीन ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल वाला आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन टैग जिसमें है वो रेसिड्यू फ्री में आएगा, वो यूज कर सकते हो। अगर हम रेड टैग या इस तरह का ले रहे हैं तो ज्यादा गड़बड़ है। एक भैया ने और क्वेश्चन किया है, जो पेड़ है फल पर आ गए हैं, अब वो टूट कर पिचक रहे हैं, कहीं नीचे से, कहीं बीच में से, कहीं ऊपर से, जहां से पोलापन मिलता है वहां से पिचक कर टूट रहे हैं, ठीक है। पूरा पौधा ही सड़ जा रहा है, उसमें बदबू किया। हाँ, ये जो पेड़ है फल निकलने के बाद या तो यहाँ से टूट कर गिर रहा है या अधूरे में से टूट करके गिर रहा है, बीच में से या नीचे से, इसके 3-4 कारण होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें समझना पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हमारी चूक हुई होगी। आप बैठिए, ये एक 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी चाय कॉफी लेंगे हम। अभी बैठिए, चाय तो निकल गई है ना, ये ठंडी हो जाएगी, चाय कर लेते हैं, वो पीते भी नहीं है। 10 मिनट है, बाकी खत्म कर लेंगे। हमने जो पौधा लगाया है क्या हम उसको साल भर कल्टीवेटर चला करके जड़े तोड़ रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना है। ये जो टूट कर की चक्कर गिर रहा है, इनके